मॉर्फोलॉजी प्लांट्स में लीफ और फ्लावर्स के बारे में ठीक तो है इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी हमने पहला सेशन कर लिया था जिसमें हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड स्टेम देखे थे आज हम देख रहे हैं कि भाई लीफ और फ्लावर्स के बारे में आपको मैंने पहले बताया मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा दिखता है कैसा दिखता है ठीक है मतलब जो विजिबल फीचर्स होते हैं प्लांट्स के उनके बारे में हम यहां पे बात करते हैं ठीक है बेटा आई टॉक अबाउट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम वो प्लांट के क्या क्या दिखाई देने वाले फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं जब हम एनेटोमी देखते हैं तब उसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है बस ध्यान से देखो बेटा समझने की कोशिश कर लो मैं बता रहा हूं आपके नीट में जो भी क्वेश्चन आएगा ना एक या दो क्वेश्चन आप उसको बहुत ही इजीली कर लोगे इसमें ज्यादा घुस घुस के डीप में मरने की जरूरत नहीं है ऊपर सुपरफिशियली पढ़ लो एंड वुड बी गुड टू गो ओके okay. हाय बेटा गुड इवनिंग स्टार लाइट हाई बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग काशीनाथ परफेक्ट ठीक है ये सेशन है है बेटा ऑलरेडी एल वन हो चुका है ठीक है तो आप वो भी देख सकते हो ठीक है परफेक्ट चलो आ जाओ गाइस माय नेम इस अमृत राजू मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं ठीक है बायो बिकम्स लॉल एंड यस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक कर देना है ना और कोई आप मैसेज भेज रहे हो यहां पे भेज सकते हो आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू इट ओके परफेक्ट और अगर वीडियो और भी अच्छा लगे और भी पढ़ना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ठीक है परफेक्ट चलो आज वो भाई पहले पढ़ लेते हैं हम लीफ के बारे में है ना बेटा लीफ के बारे में पता ही है भाई पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस में हमारी हेल्प है करते हैं ठीक है ना लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैट

कि जो सबसे यस yes, सबसे बड़े वाले हैं वो आगे की तरफ होते हैं ठीक है एंड द लोअर वन प्रेजेंट लोअर आई शो इट टू आपको मैं इमेज दिखाऊंगा ठीक है ऑर्गन ऑफ फोटो सिंथसिस दीज आर ऑर्गन ऑफ फोटो सिंथे यहां पर फोटो सिंथेसिस होती है अरे अरे चार्जर खत्म हो गया ठीक है चलो यस अब देखो बेटा थ्री मेन पार्ट्स ठीक है एक होता है लीफ बेस पीटीओल एंड लेमिना लैमिना मतलब बेटा ये ये देखो जो बेस इसको है इसको लैमिना कहते हैं ठीक है लीफ का बेस क्या बेटा ये देखो ये जो सोलन पर्ट इसको लीफ बेस कहते हैं और ये है हमारा पीटीओल पीटीओल क्या करता है ये लटक के हमारे लीफ को सन की तरफ लेके जाता है ताकि उसको सनलाइट मिले और वहां पर फोटोसिंथेसिस हो पाए ठीक है समझ आ गया बेटा ये, ये, है। ये है लीफ बेस है।, है, है ना लीफ बेस पे एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं यहां एक्सिलरी बड भी है ठीक है अब ध्यान से देखो द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बेस एंड मे बेयर

अब आगे दूसरा फिर लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटल अलाउज द लीव ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ है ना बेटा वो तो एक तो एक cool कूल भी करता है और नई हवा को लेके आता है जिसमें से हमारा लीफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस कर सकता है ठीक है भाई द लैमिना ऑफ द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन ऑफ कलर एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वीन्स एंड वीनलेट्स मतलब भाई जो लीफ है उसका लैमिना जो है फ्लैट है ब्लेड की तरह है हरे रंग का है और इसमें वेन्स है क्या है वेन्स समझ जैसे हमारे वेन्स होते हैं उसकी तरह इसकी में वेन्स है जो कि हेल्प करती है कि पानी बाकी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो पाए ठीक है दिस यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन कॉल्ड एज द मिड रिब ये देख रहे हो जो मिडिल की मेन रिब है इसको so कहते हैं मिड रिब द मिडिल वेन इज मिड रिप ठीक है भाई आगे चलते हैं लीफ का मेन तो पता ही है भाई फोटोसिंथेसिस करता है वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू तो द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एस चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर मिनरल एंड फूड मेटीरियल वेन क्या करते हैं भाई उसको रिजिड बनाते हैं और क्या करते हैं हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर मिनरल एंड फूड मेटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं ठीक है भाई, शेप मार्जिन एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लैमिना है है ना बेटा उसका margin है, एपेक्स मतलब कैसा है ठीक है उसका सरफेस कैसा है है ना और उस पर कितने वेन है veinlet है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स और डिफरेंट प्लांट पे वेरी करता है, ठीक है चलो इतना सब बेटा बहुत ही बेसिक है चिंदी सा चैप्टर है ठीक है इसको लेके घबराना नहीं है अब बेस्ड ऑन द वेन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट एक है रेटिकुलेट मिनेशन एक होता है पैरल नाम में लिखा है भाई इसमें देखो सारे के सारे वेन्स पैरल है एक दूसरे के पैरल है एकदम एक बढ़िया तरीके से लाइन में खड़े हैं रेटिकुलेट देखो नेटवर्क बना हुआ है कुछ भी बना हुआ है नेटवर्क ऑफ वेन्स You see there is a network of veins here also like this like this cool so reticulate veins and parallel venation the arrangement of vein and veinlets in the lamina of the leaf is termed as venation it could be parallel it could be reticulate. Okay bro, Now when the veinlets form a network the venation is termed as reticulate. इट इज फाउंड डाइकॉट प्लांट एंड जनरली प्रोसेस रेटिकुलेट मे कहा होता है भाई रेटिकुलट याद करो डाइकॉट प्लांट में होता है किसमें डाइकॉट डाइकॉट मतलब जैसे मटर हो गया चना हो गया जिनके दो बम होते हैं है ना दो कोटेलिडन होते हैं इट कम्स अंडर दैट ठीक है नेक्स्ट वेन द वेन्स रन पैनल टू ईच अदर विदिला शन इज टर्म डेस्ट पैरल और ये कहां पर होता है भाई इट इज सीन इन मोस्टली इन मोनोकॉट इजी सिंपल परफेक्ट मूविंग फॉरवर्ड ना टाइप्स ऑफ लीफ कामने तो देख लिया चलो एक तो हो गया कि भाई पैरलिकुलर इनेशन है, है दूसरा लीफ का टाइप हो सकता है भाई सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ सिंपल लीफ मतलब एक ही लीफ है एक पत्ते पे एक ही है कंपाउंड लीफ मतलब ऐसा

वो को टच नहीं कर रही है कंपाउंड लीफ वेन इंसिजन ऑफ द लैमिना रीच अपू मिड रिप ब्रेकिंग इन टू नंबर तक आ गए मिडिल करते करते तक आ चुके हैं कंपाउंड लीफ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पीट्योर इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ एक्सिल मतलब यहां पे एंड में देख रहे हो यहां पे हमारे है, है, ठीक बट नॉट इन एक्ट ऑफ लीफ यहां पे ध्यान से देखो बेटा कंपाउंड लीफ के यहां क्लियर okay, अर्पिता को समझ आ रहा है हरे कृष्णा को भी समझ आ रहा है वेरी गुड सोनिया हाय बेटा है बेटा सोनिया हाय बेटा राशि हाय बेटा अता हाँ, सोलंकी पूछ रहे हैं सर लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं, मतलब जो दाल होते हैं ना, दाल, जिनके ऊपर बैक्टीरिया होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं ठीक है वो लेगुमिनस प्लांट होते हैं जिनके रूट नॉड्यूल्स होते हैं विच हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ठीक है चलो अब आगे चलते इस पर ना ये हमने देख लिया भाई समझ आ गया बेटा ठीक है कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ अब भाई जो कंपाउंड लीफ है इनमें भी थोड़े टाइप्स है एक है भाई पिनेटली कंपाउंड लीफ अब ये क्या है यस अ नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस द रचेस व्हिच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीफ एज इन नीम मतलब एक है इस मिड रिब के आसपास ऐसे समझ लो ये मिड रिब है उसके आसपास भाई छोटे छोटे कंपाउंड लीफ निकल रहे हैं नीम का पत्ता देखा है ना नीम तो वो एक तो ये होगा ये क्या बेटा पिनेटली कंपाउंड लीफ एग्जांपल इज लीफ है, ना? लंबा सा, ऐसे लंबी तरीके से है. दूसरा फैले हुए पिनेटली ऐसे लंबा सा था ये ऐसा ठीक है कंपाउंड लीव द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द कॉमन पॉइंट दैट इज द टिप ऑफ द ट्यूल एज इन सिल्क एंड कॉटन देख हो एक कॉमन पॉइंट पर अटैस्ट है यहां दे देर अटैस्टेड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट यस yes, समझ आया आप पिनेटलेट हाँ बेटा बेटा हाँ ने आचार्य देख रहे हो कितना हाँ वर्किंग है हम अगला <laughs> ठीक है ये भी हमने देख लिया भाई है ना ये यह कहा ज्यादा अच्छे से याद होगा ठीक है अब आ जाओ

स्टेम और ब्रांच में अब क्या हुआ अल्टरनेट नाम में बेटा बेटा बिल्कुल नाम में अल्टरनेट मतलब एक नोड पे बस एक ही लीफ निकलेगा एक नोड पे एक लीफ अल्टरनेट हो गया ऑपोजिट एक नोड पे दो लीफ जैसे कि नीम में निकल रहे थे ऑपोजिट हो गया वॉल्ट मतलब एक जैसे से गोला बना ले वॉल्ट मतलब ऐसा गोला सा बना लेंगे समझो वैसा तो देखो

मोर देन टू लीव एट अन्ड इट इज कॉल्ड एस वर्ल्ड इन एल स्टोनिया देख लो ये वर्ल्ड ये मतलब एक नोड से दो से ज्यादा लीव अराइज हो फिर हम वर्ल्ड हो गया ये, ये वर्ल्ड हो गया समझ जाओ गोलाकार वेरी गुड अब आगे आ जाओ अब भाई लीव थोड़े मॉडिफाई भी होते हैं है ना बच्चे कुछ लीव्स

अब वो देखें पिक्चर प्लांट जो इंसेक्ट को खा जाते हैं भाई तो वो सब स्पेशल कैटेगरी में आते हैं ठीक है भाई थोड़ा सा आगे चलें जीवन में अब आ गए हम तो मैंने बताया ना लीफ टेंड्रिल लीफ के टेंड्रिल्स हैं लीफलेट पे हैं टेंड्रिल्स या फिर एपेक्स एपेक्स यहां पे भी टेंड्रिल है जो कि इनको हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइम करने में अब आ जाओ फॉर फूड द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड अनियन और गार्लिक के जो लीव्स हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं है ना? Acacia में क्या है? तो छोटे होते हैं और वो बहुत ही कम टाइम के हैं फिर चले जाते हैं पीटीओल इन दीस प्लांट एक्सपैंड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथिसाइज फूड ठीक है अकासिया में क्या होता है भाई पीटीओल्स फोटोसेंसिस करते हैं वो हरे बन जाते हैं और पीटीओल पता ना क्या होता है ये बेटा ये जो डंडा है बिकम ग्रीन एंड स्टोर बिकम गल टाइप में वीनस फ्लांस ट्राइप मॉडिफाइड लीव हेल्प इन कैप्चरिंग द इंसेक्ट इनसे कैप्चर करके खा जाता है क्यों खाता है सर देखो ये इंसेक्ट प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस ये ऐसी जगह हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है नाइट्रोजन डेफिशियंट सॉइल में ये ये होते हैं पिचर प्लांट तो ये करते हैं अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को मक्खी खा के पूरा करते हैं या फिर इंसेक्ट्स को खा के पूरा करते ठीक है चलो आगे नाउ अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट व्हेन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम ओ सॉरी हम तो इन फ्लोर में पहुंच गए लीफ खत्म हो गया यस इजी लीफ समझ आया क्या क्या देखा हमने भाई लीफ को हमने वेन्स के बेसिस पे देखा वेनेशन पैल एंड रेटिकुलेट फिर हमने देखा भाई वो पिनेटली कंपाउंड हो सकते हैं सिंपल हो सकते हैं फिर कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड मतलब लंबाई में हो रहे हैं या फिर पामेटली कंपाउंड कनेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट फिर वी सॉ अरेंजमेंट दे कैन बी ऑपोजिट कैन बी ऑल्टरनेट और दे कैन बी वोल्ट बस ईजी तो ईजी और नॉट बताओ अंजना को समझ आ गया सोलंकी को भी समझ आ गया अर्पिता को भी समझ आ गया हरे कृष्णा को भी समझ आ गया यस परफेक्ट मनदीप इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ठीक है थोड़ा बाकी चलते हैं आप थोड़े फूलों के बारे में बात करते हैं हमारे फेवरेट फूल तो बेटा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इन फ्लोरेसेंस है ना ए फ्लोरेसेंस क्या होता है भाई अरेंजमेंट ऑफ़ फ्लावर। फ्लावर अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टम भाई, फ्लावर क्या है ये मॉडिफाइड शूट है जिसमें जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो चेंज हो जाता है इनटू फ्लोरल मेरिस्टम ठीक है भाई इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट एंडक्स गेट्स कंडेंस्ड मतलब देखो बेटा नोड क्या होता है जहां से ये बेटा नोड होता है ये नोड होता है ठीक है अब ये इंटर नोड के बीच में जो जगह होती है ये इंटर नोड होती है है ना तो क्या नोड एलोंगेट नहीं होते कंडेंस हो जाते हैं और फ्लावर बनाते हैं एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काल अपज लेटर एंड सक्सेसिव नोट इंस्टेड ऑफ लीवस और क्या होता है भाई एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट का बेटा सेपल हो गया पेटल हो गया आपने कोई फ्लावर देखो कोई भी फ्लोवर देख लो रोज हमारा फेवरेट है गुलाब हो तो नीचे हरे होते हैं फिर ऊपर देखो तो गुलाबी रंग का होता है फिर अंदर की तरफ देखो तो यू you नो know, क्या होता है हमारा एंड्रीशियम होता है फिर सबसे अंदर गाइनीशियम होता है

द मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो और एक्रोपिटल सक्सेशन एक्रोपिटल मतलब जो यंग बडिंग है यंग लोग हैं वो आगे हैं ओल्डी स्पीच है ओल्ड फ्लावर्स स्पीच हैं ठीक है समझे सेम हमने फ्लावर में भी देखा था एक्रोपिटल सक्सेशन द ओल्ड वंस आर एट द बॉटम एंड द न्यू वंस आर एट द फ्रंट फिर आ गया भाई साइमोस साइमोस में देखो बेटा इट एंड्स विद द टर्मिनल एंड्स विद द फ्लावर

ओल्ड फ्लॉवर्स आर एट द टॉप और एपैक्स एंड न्यूर वॉटर यस परफेक्ट रेसिमो साइमोस समझ आ गया इसका उल्टा मानो ठीक है बहुत ही आसान है वेरी गुड तो मेन टाइपा एक तो सॉलिटरी हो गया सॉलिटरी मतलब अकेला रेसिमोस हमने देखा कहां पर रैडिश मस्टर्ड अमरथस साइमोस कॉटन जैसमिन कैलोट्रोफिस मिक्स स्पेशल टाइप ऑफ फीकर्स यूफोरिया अभी देख लेंगे ठीक बेटा ना ध्यान से देखो जो तो फ्लावर्स होते हैं बेटा फ्लावर का मेन पार्ट्स देख लो हम गुलाब से ही लेते हैं गुलाब एज इन फ्लावर रोज है ना जब आप रोज देखोगे ना आउटर वर्ल जो आउटर वर्ल होता है वो ग्रीन कलर का होता है उसको कहते हैं है हम सेपल सेपल हो गया फिर थोड़ा अंदर आओ जो रेड रेड कलर का रेड रोज होता है ना तो रेड उस पार्ट को कहते हैं हम पेटल ठीक है सर

ये बेटा ऊपर जो बायलॉक्सो कहते हैं एंथर ये जो दो गोले है ना इसको कहते हम एंथर एंथर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बनाता है हमारा पोलन इट प्रोड्यूस पोलन ग्रीन एंथर क्यों इंपॉर्टेंट भैया इसके अंदर पोलन ग्रीन बनता है विच हैज द मेल गैमीट बेटा आपको एक बात बता दो फ्लावर इज द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट ठीक है तो मेल गैमीट और फीमेल गैमिट दोनों बनते हैं इसमें ठीक ठीक है है तो 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 देखेंगे अभी हम बेटा देखो तो is the male जिस है। ये देखो जिसमें और होते हैं हैं ये ये हो हो गया ये हो गया।, गया इसको कहते टुगेदर पूरे वर्ल्ड को एक को कोई पूरे वर्ल्ड को एंड्रीशियम कैलिक्स क्या बेटा ये जो पेटल है सॉरी सेपल जो मैंने आता, ग्रीन कलर का होता है एक सेपल होता है बट पूरे के पूरे सेपल के कलेक्शन को क्या कहते हैं कैलिक्स एक को करोला कहते हैं एक पेटल को करोला कहते हैं जो राल वाला था बट पूरे के पूरे क्या कहते हैं हम कैलिक्स इज इज मेड मेड अप अप ऑफ ऑफ सेपल सेपल्स पेटल्स फिर आता है भाई हमारा एंड में गाइनीशियम गाइनीशियम क्या होता है बेटा फीमेल वर्ल ऑफ फ्लावर सबसे अंदर होता है एकलौता भी हो सकता है बहुत सारे भी हो सकते हैं इकलौता है तो भी हम उसको कहते हैं बेटा उसको कहते हैं पिस्टल

अब आगे बेटा देखो फिर आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाई सेक्ल फ्लावर बहुत ही ईजी अगर एक फ्लावर में बस मेल पार्ट है उसको कहेंगे हम मेल फ्लावर और स्टामिनेट है ना बेटा और या फिर उसके पास बस फीमेल पार्ट है सिर्फ गाइनेशियम गाइनेशियम है उसको कहते हैं पिस्टिलेट तो ये यूनिसेक्सुअल होगा है, है ना बेटा या फिर एक ही फ्लावर में अगर मेल और दोनों फीमेल दोनों है तो उसको कहते हैं बाई सेक् फ्लावर सिंपल ईजी है अ फ्लावर हैविंग स्टेमन और ओनली कार्पल इज यूनिसेक्सुअल

फिर है भाई बायलैटरल जैसे कि यू कैन कट इट इनटू टू इक्वल हाफ ओनली इन दिस प्लेन तभी दो इक्वल हाफ होंगे ना ऐसे काटोगे तो नहीं हो पाएगा इट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोमॉर्फिक वेरी इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम में आएगा एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री ज़ाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री है ना यू कैन कट ऑन इन वन हाफ व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इन टू टू सिमिलर हाफ ओनली इन अ वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड ज़ाइगोमॉर्फ एग्जांपल पी गुलमोहर बीन एंड कासिया बेटा

अब आ जाओ अब ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैकटेट ये क्या है फ्लावर्स कैन बी विद ब्रैक्स रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द द बेस ऑफ पेडिकल आर आर ब्रैक्टिएट एंड दोस विदाउट ई एंड्रैकटेट मतलब जिनके पास ब्रैक्ट क्या है पहली बात तो लीफ छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर फ्लावर के नीचे लीफ है वो है ब्रैक्टिएट देख रहे हो लीफ यहां पे देख रहे हैं लीफ नहीं है फ्लावर के पास ये क्या है ई ब्रैक्टिएट फ्लावर के नीचे फ्लावर के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ब्रैक्टिएट फ्लोरल ब्रैक्ट है नहीं है तो e ई ब्रैक्ट्रिएट -like ठीक है ब्रैक्ट क्या है है भाई लीफ लाइक स्ट्रक्चर ठीक आ गया जो. अब बेटा बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ गाइनीशियम विद रेस्पेक्ट टू एंड्रीशियम कैलिक्स एंड करोला देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर मतलब ओवरी कहां पे है ओवरी सबसे ऊपर है बाकी सब नीचे है ओवरी मिडिल में है सब आसपास है या फिर ओवरी नीचे है उसके बेसिस पे तीन चार तरह के फ्लावर देख लेते हैं एक है था ऊपर गाइनस मतलब गाइनिशियम मतलब ऊपर है ओवरी सबसे तो हाइपोगाइनस सारे एक ही लेवल पे हैं ठीक है एपिगाइनस भाई बाकी सब ऊपर है गाइनिशियम नीचे की तरफ है देखते हैं यस गाइनिशियम इज द हाइएस्ट पोजिशन इन हाइपो सिचुएटेड सिचुएटेड स में क्या है भाई गाइनेशियम सबसे ऊपर है अदर पार्ट्स आर बिलो ओवरीज सुपीरियर ओवरी क्या है सुपीरियर यहां पे एग्जांपल गुआवा कुकुम्बल फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लॉवर ठीक है यस गाइनेशियम इज अट हाईएस्ट पोजीशन अदर पार्ट्स आर बिलो इट ओवर सुपीरियर

रोला में वेरी करोला में भी ट्यूबुलर बेल शेप फनल हो सकते हैं ना अब बेटा कैलिक्स का है ठीक है कि भाई उसके सेपल्स साथ में जुड़े हुए हैं कि अलग अलग है अगर जुड़े हुए हैं तो उसको गेमो सेपेलस अलग अलग है तो पॉली पॉली मतलब ज्यादा सेम करोला अगर सारे पेटल जुड़े हुए हैं गेमो पेटालस अगर अलग अलग हैं तो पॉली पटालस समझ लो आपने देखा होगा ना कई बार क्या होता है जो नीचे लीफ है वो चिपके हुए हैं या फिर पेटल सारे चिपके हुए हैं चिपके हुए हैं तो गेमो पेटालस कहेंगे उसको या फिर गेमो सॉरी गेमो सफालस या गेमो पेटालस अगर सब अलग अलग है एक एक करके आप तोड़ सकते हो तो उनको कहेंगे पॉली पेटालस या पॉली यस इजी वेरी गुड ना कैन यू सी बेटा देखो गेमो से पहले सेपल्स आर यूनाइटेड यूनाइटेड देखो देखो सेपल्स सारे पॉली से पहले सब अलग अलग है आप इसको तोड़ सकते हो एक करके है ना देखो ना लव मी लव मी नॉट ऐसा करते हैं बच्चे देन <laughs> गेमो ठीक है बेटा देखो सेपल्स देखो सेपल्स है ना यहां पर देखो सेपल अलग है गेम ऑफ पेटल पेटल्स देखो पेटल्स देख रहे हैं यहाँ पे सारे जुड़े हुए हैं यहाँ पे देखो सारे अलग अलग हैं है ना नाउ एस्टिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेम बर्ड मतलब भाई सारे सेपल कैसे कनेक्टेड है देखो एक है वैलवेट मतलब एक के बाद एक एक दो तीन चार एंड टू एंड कनेक्टेड है ट्विस्टेड एक एंड ऊपर एक एंड नीचे एक एंड नीचे एक एंड ऊपर एक एंड ऊपर तो कोई ऑर्डर नहीं है कुछ भी हो देखो ये सबसे बड़ा वाला देन ऐसे साइड साइड से तो इज वैक्सी और पैपिलोनिशियस क्या हो गया अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल और पेटल स्टेशन क्या भाई अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल अरेन्जमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स ना वैलवे बताया वर्ल्ड जस्ट टच वन एन अदर विदाउट ओवरलैपिंग यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है एग्जाम्पल कैलोट्रॉफिस बट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विस्टेड इफ वन मार्जिन इज ओवरलैप द नेक्स्ट वन एंड सो एज इन चाइना रोज मतलब एक मार्जिन नीचे है

इन पी एंड बीन फ्लॉवर देर आर फाइव पेटल इनमें पांच पेटल है लेटर टू लार्जेस्ट ओवरलैप दू विच इन टैपोले को ओवरलैप कर रखा है सबसे बड़े ने लेटर टू को करा फिर सबसे छोटे भी हो रखे हैं कवर ओवरलैप बाय द अदरवाइजेक्ट वेरी गुड इतना समझ आया कोई डाउट है वेरी गुड ठीक है Now, एंड्रीशियम का मैंने बताया मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर अगर आप देखोगे एंड्रीशियम इज कंपोज ऑफ स्टेमन स्टेमन रहता है ना

तो भाई पॉलीएंड्रस देन मेबी यूनाइटेड इन मेरिंग डिग्री यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल कॉल्ड एज मोनाडेलफस देख रहे हो ये सारे के सारे एंथर एक ही जगह फ्यूज हो रखे हैं देख रहे हो मोनाडेलफस यहां पे अलग-अलग है सारे अलग-अलग खड़े हैं ठीक है पॉलीएंड्रस ठीक है मोनाडेलफस डायडेलफस मतलब भाई दो पार्ट में देख लो एक ये रहा और ये रहा दो डाय मतलब दो इजी यस yes,

तो ना ये क्लियर है टॉपिक आइए अब भाई गाइनेशियम फीमेल प्रॉपर्टी पार्ट हमने देखा क्या होता है भाई स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टिग्मा का काम क्या है जो पोलन ग्रेन आता है उसको रिसीव करना स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब बनता है और ओव्यूल ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जिसके अंदर हमारा फीमेल गैमेट होता है ठीक है ना ovary is the enlarged basal part on which lies the tube or the style each ovary bears one or more ovules attached to the flat cushion like placenta ठीक है बेटा ovary के अंदर क्या होते हैं ovules होते हैं जो कि placenta के अटैच होते हैं देखो बेटा ये मान लो placenta है इसके आसपास ovules अटैच होंगे समझ लो ये placenta है तो ये ovules अटैच हैं और ovule के अंदर क्या है भाई एग है ovule के अंदर क्या होता है एग when more than one carpel is present

द सनफ्लावर मैरी गोल्ड ठीक है बेसल मतलब एक ही ओवियल है एक ही ओवियल है वो बेसल है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसल वाला एटलीस्ट ठीक है सनफ्लावर एंड मैरी गोल्ड में पाया जाता है यस yes. तो मजा आया yes. मजा आया मुझे लगता है मैं बहुत तेज तेज पढ़ाता हूं यस बट इट इज गुड मतलब जो पढ़ना चाहता है वो फट से पढ़ सकता है यस yes. री गुड रिवाइज करना है। आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ठीक है थोड़ा नीट के क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है क्वेश्चन देख लो जो भी हमने पढ़ा है कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं नीट में ठीक है आपको बहुत समझ आएगा चलो करो इसको बताओ यस करेक्ट पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्टस ओवर इन द मस्टर्ड प्लांट इज गाइग्नीशियम ऑक्युपाइज द हाइएस्ट पोजिशन वाई अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट मार्जिन ऑफ थलैमस ग्रोस अपवर्ड इन क्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड अदर पार्ट बिलो द ओवरी गाइनेशियम इज प्रेजेंट इन देंटर एंड अदर पार्ट कवर इट पार्शलीशियम इज सिचुएट इन द सेंटर एंड अदर पार्ट आर फ्लवर लोकेटेड द रिम ऑफ द थेम लेवल तो इससे क्या समझ आ रहा है भाई आपको एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे है ना मस्टर्ड में कैसा है हाइपोगाइनस है एपिगाइनस है यस कि पेरिगाइनस है एग्जांपल तो भूल गया बेटा सही बात है गाइनेशियम ऑक्युपाईज द हाइएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर स्टार्स यू बिलो इट है ना हाइपोगाइनस ओवर ही होती है हमारी मस्टर्ड के केस में ठीक है तो इससे क्या समझ आया भैया एग्जांपल सबके देख लेने हैं 2020 में आया हुआ है अगला मैच द प्लेसेंटल टाइप्स कॉलम 1 विद द कॉलम 2 ठीक है भाई बेसल प्लाजेंटेशन कहां पे है? एक्साइल पेराइटल फ्री सेंट्रल देखो समझ आ रहा है एग्जांपल्स का महत्व यस <laughs> एग्जांपल्स yes. का महत्व समझ आ रहा है यस yes, गाइस वेरी गुड यस बेटा ए का है फोर बेसल इज फाउंड इन द सनफ्लावर बी का है टू चाइना रोज सी का पेराइटल मस्टर्ड एंड डी का भाई फ्री का क्या कहते हैं सॉरी फ्री सेंटर का डायन्थस भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई मेरे को भी ये बहुत ही गंदा लगता था जब मैं आपकी क्लास में था ना इलेवेंथ क्लास में मुझे इनके एग्जांपल्स बहुत ही सड़े हुए लगते थे ठीक <laughs> <तेक> है <laughs> सड़े हुए, है है, है है, ना ना बच्चे? बट तो तो आप क्या कर कर सकते सकते हो ये 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 यार बस बेसल बेसल वाला वाला याद थे, क्योंकि एक ही तो बेटा कई बार आपको है कि आप मुझे बहुत सारा एकदम रटना पड़ेगा नहीं अगर आपको बस एक चमक गया ना तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता नीट ट्वेंटीन का सवाल है ये आगे जाओ बाई कैपलरी ओवरी विद ओब्लिकली प्लेस सीन इन अगेन दो हजार उन्नीस में एग्जाम्पलोयम से बताओ भाई 2019 हजार में फिर से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ गया आई नो आपको यह समझ आएगा एग्जाम्पल इज गाइज सोलेनम आंसर इज सोलेनम है ना इसमें बाइक ओवरी होती है एंड ओब्लिकली प्लेस सेप्टम फॉलोइंग शूज वर्ल्ड फाइलो टैक्सी ट्वेंटी नाइनटीन में एलस्टोनिया चाइना रोस कैलोट्रॉप एंड मस्टर्ड फाइलो टैक्सी के अरेन्जमेंट ऑफ लीव बताओ Exactly guys, answer is Alstonia 2019. Again, example is very very important. The state standard petal of papilionaceous corolla is also called Papum Vexillium Corona carina. Yes. एग्जैक्टली आंसर है वेक्सिलियम ठीक है यस अब बच्चे कहते पेपिलोनिशियस क्या है देखो पेपिलोनिशियस कोरोला इज बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ है ना एस्टिवेशन फाउंड इन दी फैमिली पेपिलोनिशिया, विच देर आर फाइव पेटल्स ठीक है उसमें से जो सबसे स्टैंडर्ड ड एज वेक्सिलियम ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है ट्वेंटी सिक्सटीन का था क्वेश्चन बट एनी वेस यस बच्चों जल्दी से तालियां बजा दो वेल डन यू डिड वंडरफुली वेल यू डिड वंडरफुली वंडरफुली वेल यस वेरी इम्पोर्टेंट गाइस दिस सी देखो इस समझ आगे आई नो एग्जाम्पल एग्जामीट कन्फ्यूज बिटवीन एग्जाम्पल्स की भाई ये क्या है ठीक है लिख के रख लो है ना जस्ट राइट इट डाउन ट्राई टू इमेजिन है ना आई नो आप हर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बट ट्रस्टमी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था ना ये वाला इसमें बस आपको एक पता होना था एंड यू आर सॉर्टेड ठीक है तो डोंट लीव इट अप कि भाई मेरे से होगा ही नहीं मतलब लिख के रख लो आई नो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू और एज टीचर फॉर मी एंड एवरी वन ऑल्सो बट क्या हम इसको छोड़ दें नहीं हम कोशिश करते रहेंगे समझ में उठा कभी ना कभी ये सही होगा एंड आई कैन गारंटी जस्ट राइट इट ऑन द पेपर मैं अपने सारे स्टूडेंट को कहता हूं कि भाई आप एक पेपर में लिख के रख लो एक फोशीट में एंड इट विल भी वेरी मच ईजी फॉर यू कुल

टूर कोर्स गोइंग ऑन नीट प्रोवाइड ट्वेंटी ट्वेंटी और हिंदी में क्लिक ऑन दिस दो साल का दो साल का ठीक है एक सैकंड दो साल का इसमें आपको स्टडी मेटेरियल मिलेगा हैंड रिटिन नोट मिलेंगे डाउट सोलविंग है ना बच्चे एंड हिंदी क्लास कोर्जन बेटा और ये दो है लाइव क्लासेस यू कैन एंड इन एनी ऑफ दिस These two are live cost vary हैं तभी क्योंकि लाइव बैचेसिलीचिंग सामने पढ़ाएंगे ये है, इसकी फीस थोड़ी कम है तो आपको क्या शूट करता है आप डिस एनरोल कर सकते हो दर ऑलरेडी कोड अप्लाइड राज प्रो अगर आपने कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इनमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये दिसेक्टिव प्राइस कुल परफेक्ट ठीक है बच्चे तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका होमवर्क है ठीक है बेस्ड ऑन द सिमेट्री यस बेस्ड ऑन द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर वॉट आर द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स मतलब सिमेट्री के बेसिस पे हम फ्लावर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं ठीक है मुझे बताना इन द कमेंट बॉक्स दैट्स योर क्वेश्चन एंड हैव अ ग्रेट डे लॉट्स ऑफ लव एंड यू आर डूइंग वंडरफुली है थोड़ा सा बॉटनी हल्का सा बोरिंग साइड हो जाता है बट या हम इसको छोड़ेंगे नहीं थोड़ा सा कर लेंगे बेटा ट्रस्ट मी बेसिक्स कर लो एंड यू वुड भी एबल टू सॉल्व एक या दो क्वेश्चन कर लोगे ठीक है Have a great day. Lots of love. I'll see you in the next class. Take care and bye bye.